बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, मैं खिज़र अब्बास और इस वक्त मौजूद हैं आजीरा से ततापानी के दरमियान दार बाज़ार एक जगह है, उसके साथ ही एक कोस्टर एक्सीडेंट हुई है। ये मुसाफर कूच थी जिसके अंदर तकरीबन, जो हमारे पास अभी इतलात हैं ताज़ा उनके मुताबिक, 5 लोग इस वक्त तक जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ये सूरत हाल है, ये आजीरा से ठंडी कसी जाने वाली एक मुसाफर वैन, ये वो बदकिस्मत वैन थी जिसके अंदर तकरीबन 5 लोग इस वक्त तक जान बहक हो चुके और ज़ख्मियों को इस वक्त CMH रावलाकोट मुंतकिल किया जा रहा है। ये मनाजर हैं उस मुसाफर कूच के, जिसके जिसको हादसा पेश आया। ये हजीरा से आ रही थी और मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने से ये आके सीधी इस दरख्त के साथ टकराई और फिर इसका एक्सीडेंट इस तरह से पेश आया कि ये उल्टी हो गई और मकम्मल तौर पे जो इसके अंदर लोग थे वो डैमेज हो गए। तकरीबन 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी, 5 लोग जो जान बहक हो चुके हैं। एनी शायद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये साथ ही इनका घर है और ये उस वक्त यहाँ मौजूद थे जब ये एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो लोगों को यहाँ से उठाया गया, और ये उस वक्त के एनी शायद हैं। इनसे थोड़ी सी बात करेंगे, तफसीलात से हमें ये आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जब आप ये हादसा पेश आया इस गाड़ी को, तो आप उस वक्त सामने थे कहीं पे? जी जी, हम यहाँ ही मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया, तो फिलफोर बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ रुक गई। बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ख्मी थे जो गाड़ी के अंदर ही। तकरीबन कितने लोग ज़ख्मी हुए? तकरीबन 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी थे और 2 लोग जिनकी जगह पे ही डेथ हो चुकी थी, मौके पे वो यहाँ जान बाग हो चुके थे। और बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ आए, और एक जो लास्ट आदमी हमने, हमारा यूनिवर्सिटी फेलो ही था, दोस्त था ज़करिया मेहताब, जो हमने ये लास्ट सीट से निकाला, वो ग्राइंडर से हमने काटा पहले वो सीट को, फिर उसे निकाला। यानी 3 लोग यहाँ ही जिनकी वफात हो चुकी थी और बाकी 20 से ज्यादा लोग। तो ये जब आप यहाँ से उनको निकाल रहे थे, उस वक्त लोग इकट्ठे हो गए, आसानी से आप उन्हें शिफ्ट करने में कामयाब हो गए? मुश्किल रहा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम तादाद में लोग ऊपर रोड में खड़े वो वीडियोज बना रहे थे, और कोई आदमी नीचे आके जख्मियों को इर्द गिर्द नहीं। मुझे यहाँ कुछ मिस्त्री काम कर रहे थे हमारे इधर मकान के हवाले से, वो थे और भाई था, तो हमने कुछ कोशिश की और कुछ हमारे पड़ोसी यहाँ इकट्ठे हुए और हमने फौरी तौर पे जो ज़ख्मी थे हमने उन्हें आजीरा अस्पताल में मुंतकिल किया। और मैक्सिमम तादाद में हमारे जो गाड़ियाँ गुजर रही थी, ड्राइवर हजरात, उनने खुद ही गाड़ियाँ सवारियाँ उतारी और ज़ख्मियों को लेके वो जाते रहे यहाँ से। तो उस वक्त मौके पे जो लोग जान बहक हुए उनकी तादाद सिर्फ 2 थी उस वक्त? जी जी, 2 लोग, जो एक औरत और एक मर्द। जो अभी जो ताज़ा तरीन इतलात है उनके मुताबिक तकरीबन 5 लोगों की जान, क्योंकि कुछ 2-4 लोग ऐसे थे कि जो ज़्यादा ज़ख्मी थे, उनकी उम्मीद कम थी कि ये रिकवर हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो कॉलेज की लड़कियां थी, बच्चियां थी कॉलेज की, और बाकी नौजवान भी थे, और उनकी ज़्यादा की टांगें फ्रैक्चर हुई, बाजू फ्रैक्चर हुए, बाकी उनके सामने काफ़ी चोटें आई। तो खैर 3-4 लोग, 3 लोग इधर जो मौके पे जो डेथ हो चुकी थी, जिनकी जिन्होंने हमने खुद उन्हें निकाला गाड़ी। शुक्रिया जी। ये हैं, आप देख सकते हैं, ये निशायद हैं, उस वक्त यहाँ मौके पे मौजूद थे, इन्होंने फर्स्ट एड का काम भी किया और लोगों को मुंतकिल, और ये इनके साथ खून लगा हुआ भी आप देख रहे हैं। ये उस वक्त यहाँ से लोगों को शिफ्ट करने में इन्होंने मामनत की, लोगों को बुलाया और यहाँ से शिफ्ट किया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है ये कि इतनी बदकिस्मती के साथ कि एक हादसा जो पेश आया और उसके अंदर 5 लोगों की डेथ हुई, जिनमें 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, बाकौल इनके के उनकी टांगें ज़्यादा की फ्रैक्चर हैं। ये सूरत हाल थी जो ताज़ा तरीन हमारे पास इतला थी। एक और भाई हैं हमारे साथ, ये भी वहाँ के शायद हैं, ये इनके कपड़ों के साथ भी खून लगा हुआ है, ये भी उस वक्त इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप उस वक्त यहाँ कहीं मकान का काम कर रहे थे? जी हाँ, इधर हम मकान का काम कर रहे थे। अच्छा, तो जब ये हादसा पेश आया तो आप कहीं सामने थे? जी बिल्कुल सामने थे, इधर। तो क्या उस वक्त सिचुएशन थी जब लोगों का शोर व गुल और लोग मदद के लिए पकार रहे होंगे, तो आपने उनकी किस तरह से मदद की? हमने दिल थाम कर उनकी मदद की, हम सब लोग जगह पर पहुँचे और उन लोगों की मदद की। तो उस वक्त जो मौके पे जान बाक लोग हुए, उनको और जख्मियों को आपने रावलाकोट या आजीरा पहले मुंतकिल किया? पहले आजीरा किया, फिर जो सीरियस है वो लोग रावलाकोट
बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं इनके साथ भी ये खून लगा हुआ है उन ज़ख्मियों का, और जो लोग यहाँ पे जान बाँक हुए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिससे हम आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।